हेलो एवरीवन, लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा में आई हुई एसएससी के अंडर नई टीचर रिक्रूटमेंट के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी टीचर्स की कमी होती है तो टाइम टू टाइम एसएससी के अंडर टीचर रिक्रूटमेंट निकलती रहती है, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की होती है। और यहाँ पे एक नई भर्ती आई है जिसमें डिप्लोमा और बीएड दोनों को ही एलिजिबल किया हुआ है। तो अगर आपने डिप्लोमा किया है या बीएड की हुई है तो आप दोनों ही एलिजिबल हैं। और इसमें आपका न कोई पेपर होगा, न कोई इंटरव्यू देना होगा आपको, सिर्फ आपकी मेरिट के आधार पे ही आपका सिलेक्शन होगा। और इसके लिए आपको कोई टेट पास करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास अभी तक कोई भी टेट नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए देखते हैं कि नोटिफिकेशन कहां से आया है और कौन कौन उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अंतिम तिथि क्या होगी, और साथ ही साथ सैलरी के ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जैसा कि आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हो, इसमें बताया हुआ है कि ये समग्र शिक्षा कार्यालय करनाल की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पे शैक्षिक स्वयंसेवकों की अनुबंध आधारित योग्य अभ्यर्थियों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो ये नाम दे दिया गया है इनको कि शैक्षिक स्वयंसेवक, परंतु ये टीचर की ही वैकेंसीज हैं, जैसे पीआरटी और टीजीटी की वैकेंसी होती है। पदों की संख्या यहाँ पे 15 बताई गई है, जो कि अनुमानित है। पदों की संख्या घटाई और बढ़ाई भी जा सकती है। समयावधि इन्होंने बताई है कि ये अक्टूबर में ही ज्वाइनिंग दे देंगे और मार्च 2025 तक आपकी ज्वाइनिंग रहेगी, उसके आगे भी ये बढ़ा सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी में कॉन्ट्रैक्ट टाइम टू टाइम बढ़ता रहता है। मानसिक मानदेय राशि इन्होंने 10,000 रुपये बताया। तो आप देख सकते हो, ये बताया इन्होंने कि हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा निर्धारित नियमानुसार। तो जो हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद है उसके द्वारा ये निर्धारित की गई है सैलरी, और इसीलिए इन्होंने टीचर की बजाय स्वयंसेवक का नाम दिया है, क्योंकि सैलरी बहुत कम दे रहे हैं तो अध्यापक का नाम नहीं दे सकते थे यहाँ पे, इसीलिए इन्होंने बोला कि शैक्षिक स्वयंसेवक। उसके अलावा इन्होंने शैक्षिक योग्यता में बोला कि 12th होनी चाहिए, साथ में आपने डिप्लोमा किया हो, या अगर आपके पास बीएड भी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम मार्क्स बोला इन्होंने कि 50% होने चाहिए। उच्च शैक्षिक योग्यता प्राप्त व शैक्षिक स्वयंसेवकों के अनुभवी अभ्यर्थियों को नियमानुसार वरीयता दी जाएगी। आवेदक अपना बायोडाटा व सभी सत्यापित दस्तावेज कार्यालय जिला परियोजना संयोजक समग्र शिक्षा तृतीय तल लघु सचिव लघु सचिवालय पार्ट 2 करनाल में दिनांक 9 अक्टूबर 2024 से 14 अक्टूबर 2024 सायं 4 बजे तक जमा सव्या जमा करवाएं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको खुद जाके जमा करवाना है। तो सबसे पहली बात है कि इन्होंने बोला जिनके पास भी हायर क्वालिफिकेशन होगी और एक्सपीरियंस होगा उनको ये वरीयता देंगे, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके अलावा आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, आवेदन करने के लिए आपको अपना बायोडाटा और साथ में जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है रिलेटेड डॉक्यूमेंट, तो वो सब आपको अटैच करने हैं उसके साथ, और वो आपको खुद जमा करवा के आना है। इन्होंने एड्रेस बताया हुआ कि आपको जो कार्यालय है जिला परियोजना संयोजक समग्र शिक्षा तृतीय तल लघु सचिवालय पार्ट 2 करनाल में जमा करवाना। और जैसा कि आप देख रहे हो, इन्होंने टाइम बहुत कम दिया, 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर, बीच में काफी सारी छुट्टियां भी है, और अब आपके पास 2 दिन का समय बचता, आज का, आज संडे है, तो आपके पास सिर्फ कल का समय है। तो जो भी साथी करनाल में एसएससी के थ्रू एज ए टीचर काम करना चाहते हैं, वो चाहे पीआरटी हो या टीजीटी हो, तो आवेदन जरूर करें, क्योंकि सैलरी थोड़ी कम मान सकते हैं कि 10,000 रुपये सैलरी है, परंतु जो भी करनाल से हैं या करनाल के आसपास के एरिया से हैं और जो बिल्कुल फ्री हैं, आज के समय में कहीं पे भी काम नहीं कर रहे, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है एज ए टीचर काम करने का, और एक एक्सपीरियंस भी होगा और साथ ही साथ आपका जेब खर्च भी निकल जाएगा, आपको घर वालों से पॉकेट मनी मांगने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए आप आवेदन जरूर करें। इसके अलावा नेक्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं कहां से आया है।
तो जैसा कि आप ये देख रहे हो, यह आया हुआ है जिला परियोजना संयोजक समग्र शिक्षा गुरुग्राम की तरफ से। तो यहाँ पे भी वही है कि शैक्षिक स्वयं सेवकों की अनुबंध आधारित योग्य अभ्यर्थियों के आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, पदों की संख्या काफी अच्छी है, पदों की संख्या इन्होंने 153 बताई है जो कि अनुमानित है यहाँ पे भी, तो बहुत अच्छी यहाँ पे संख्या है पदों की, तो आवेदन जरूर करें। समयावधि इन्होंने अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 तक ही बताई है। मासिक मानदेय 10,000 रुपये है और HSSP द्वारा निर्धारित नियमानुसार शैक्षिक योग्यता, डिप्लोमा या बीएड आपने जो भी किया तो आप इलिजिबल हैं। योग्य आवेदक अपने सभी सत्यापित डॉक्यूमेंट जो दस्तावेज हैं, कार्यालय जिला परियोजना संयोजक समग्र शिक्षा हॉल नंबर 307 तृतीय तल लघु सचिवालय गुरुग्राम में दिनांक 14/10/2024 5 बजे तक जमा कराएं। अधिक जानकारी के लिए इन्होंने अपना जो फोन नंबर और साथ में मोबाइल नंबर भी दिया, साथ में ईमेल आईडी भी दिया, तो आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। नोट में इन्होंने लिखा कि पदों की संख्या परिवर्तनीय है, पूर्व में कार्यरत शैक्षिक स्वयं सेवकों को वरीयता दी जाएगी। तो जो पहले भी जिन्होंने काम किया है एज ए शैक्षिक स्वयं सेवक, तो उनको ये बोल रहे हैं कि प्रेफरेंस देंगे। तो आप देख सकते हो ये काफी अच्छा मौका है, अगर आप बिल्कुल कहीं पे भी कोई भी काम नहीं कर रहे और आपने डिप्लोमा या बीएड किया हुआ है और एज ए टीचर आप काम करना चाहते हैं और काफी समय से टीचर की वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है ये कि एज ए टीचर एक्सपीरियंस करने का। सैलरी थोड़ी कम बेशक हो, परंतु आपको वहां पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा और आगे अगर कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसमें प्रेफरेंस भी दी जाएगी। इसलिए जो भी साथी आसपास के एरिया से हैं या आप एज ए टीचर काम करना चाहते हैं तो आवेदन जरूर करें, क्योंकि इसमें ना आपसे टेट मांगा हुआ है और उसके अलावा कोई भी आपसे ना पेपर देना है आपको ना इंटरव्यू होगा, सीधा आपका मेरिट के बेसिस पे ही सिलेक्शन होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथियों, हम काफी मतलब लंबे समय से देख रहे हैं कि आप कहीं पे भी शेयर नहीं कर रहे हो चैनल को और आप ना ही वीडियो को लाइक करते हो। आपका जो वीडियो पे लाइक करना या कमेंट करना या वीडियो को शेयर करना वो ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और उससे ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप तक लेके आए। तो आप सभी साथियों से उम्मीद की जाती है कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, साथ में वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और कमेंट भी करके हमें जरूर बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगे। और जिस साथी का भी अगर कहीं पे सिलेक्शन होता है, अगर उन्होंने हमारा वीडियो देख के और आवेदन किया हो और वहां पे उनका सिलेक्शन होता है तो वो हमें कमेंट करके उस चीज की जानकारी जरूर दीजिए दिया कीजिए, क्योंकि उससे फिर एक मोटिवेशन मिलता है और भी नई नई चीजें करने का मन करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी हमें मोटिवेट करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, साथ में शेयर भी करेंगे। थैंक यू।